ਲੱਗੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੜੀ ਚੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੜੀ ਚੋਲ ਸਸੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਿਵ ਕਿਚਨ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਨ ਦੀ ਕੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿਆਰ ਮਸਾਲਾ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਲਈ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਲੂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ तो फ्रेंड्स आप जो दूसरा कड़ी लिए कर लिया ही तैयार बैटर तो हूँ आप इधर पकौड़िया लिया एक आलू तो दो प्याज ले आ क्योंकि पकौड़े आप थोड़े ही बनाने हैं इस करके थोड़ा समान लिया तो आह नाल पतले पतले आप प्याज कट लाँगे पकौड़िया लिए फ्रेंड्स आप कढ़ी लई ते पकौड़िया लई आप जो मसाला तैयार कर लिया पकौड़े आप थोड़े बनाने इस करके आप एक प्याज तो एक आप आलू कटिया तो दो हरिया मिर्चा पाई तो हूँ असं बना चलते हैं पकौड़े तो फ्रेंड्स आप आलू के करा तीन चम्मच बेसन पावे आप तीन चम्मच आप बेसन पा लिया भुने के तो बाद आप थोड़ा जहाँ नमक मिक्स करा हरिया मिर्च आप कट के पाइए इस करके आप दूसरी कोई मिर्च भी ऐड नहीं करनी है ना देगी ना दूसरी हूँ आप थोड़ा जहा पानी ऐड करा इन मिक्स कर लाँगे चंगी तरह बेसन में बेसन थोड़ा जहा पतला हो गया हूँ थोड़ा जहा होर पावे बेसन तो बैटर में थोड़ा जहा संघना कर लाँगे पकौड़िया का जोड़ा आ जो मिक्सचर है यह रेडी हो गया साढ़ा हूँ तो हूँ आप कढ़ी लिए पकौड़े बनावे फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो पकौड़े आ एक पास फ्राई हो गया हूँ आप पासा कटावे तो दूसरे पास भी आप चंगी तरह फ्राई करा साढ़े जो पकौड़े आ फ्राई हो गया हूँ आप कढ़ाई के बाहर कढ़ लाँगे फ्रेंड्स इधर आप लई लस्सी बहुत ज्यादा खट्टी लस्सी आप तीन दिन फ्रिज के रखी हुई सी दही तो आप लस्सी बनाई है तो ये आप कर लाँगे दो चम्मच बेसन मिक्स कढ़ी आप ज़्यादा जी संघनी नहीं बनानी हैगी क्योंकि आप चौलों ना खानी इस करके आप चौलों ना ज़्यादा संघनी कढ़ी जी आप नहीं खाते है तो हूँ आप बेसन लस्सी के चंगी तरह घोल लवेंगे तो इस बाद आप थोड़ा जहा लून तो हल्दी पाउडर ठीक है तो हूँ असी करांगे इन्हूं चंगी तरह मिक्स फ्रेंड्स मैं थोड़े न एक गल करनी सी प्लीज़ मैं ज़्यादा तो ज़्यादा सपोर्ट करो तो मेरा जो चैनल है शिव किचन व्लॉग
इनू ज्यादा अगे तक लैके जाओ। तो साडा जिहड़ा बेसन ते लस्सी का घोल है वह तैयार हो गया चंगी तरह। तो उत चल पिछे चल फ्रेंड्स इधर आप लेने मेथरे तो मेथरिया थोड़ा जहाँ आप क्रश करा हाथों के नाल ते तेल दे पा देंगे। इस तो बाद आप जरा किया हुआ प्याज तो लसन ग्रैंड उन्होंने पा देंगे तो नाले प्याज पा देंगे मिर्चा थोड़ी देर बाद पावे क्योंकि जी मिर्चा ना इन्हों सुगंध ज्यादा उठता इस करके सारे मिठा मार लेंगे तो इस करके जी मिर्चा वो आप बाद पावे थोड़ा जहाँ इन उसमें भुन लेंगे तड़के में। तो फ्रेंड्स जोड़ा सा तड़का वह फ्राई हो गया चंगी तरह हूँ आप जी मिर्चा करके रखिया से वो ये पा देंगे। तो हूँ आप घोल बना के रखा हुआ वो पा देंगे। हूँ आप कढ़ी को चंगी तरह हिला के इन ढक्कन देना ढक के चंगी तरह पकावे तो उन्नी देर तक आप बर्तन साफ करा। तो फ्रेंड्स कढ़ी को आप हूँ एक बार चेक कर लें तो फ्रेंड्स जी कढ़ी वो साड़ी बनती पी है हूँ आप थोड़ी देर इन होर पकावे लो फ्लेम से ढक देंगे इन हूँ। तो फ्रेंड्स कढ़ी जी हाँ पूरी तरह बन गई है तो हूँ आप पावे जे पकौड़े पकौड़े तो सारे फ्रेंड्स इन्होंने बच्चों ने तो पापा ने इदा ही खा दिल खा ले सारे पकौड़े सिर्फ इन्ने पकौड़े बचे है ये हूँ आप कढ़ी च पा देंगे। फ्रेंड्स पकौड़े आप पा दिए कढ़ी के देखो कितनी वधिया कढ़ी बनी है। तो हूँ आप कढ़ी नाल चौल बनावांगे कढ़ी नूं। तो दोस्तों हूँ आप कर रहे हैं बर्तन साफ सारे बर्तन साफ कर रहे हैं दो दो वाला पतीला रह गया से साफ करने वाला मैं सोचा इन भी धो तो बर्तन साढ़े हो गए सारे साफ फ्रेंड्स साढ़े चौल बन गए तो चौल आप पावे थाली दे इधर बन गई हाड़ी पकौड़िया वाली कढ़ी। तो फ्रेंड्स तुसी भी आके खा लो कढ़ी चौल। फ्रेंड्स ये असी लिया वै बनैना शेक तो हूँ असी इसनू पीवांगे मैं तो इधर मेरा बेटा सुता हुआ हूँ असी इनू पीवांगे। फ्रेंड्स असी गलासा दे विच पा लिया बनैना शेक तो आओ फ्रेंड तुसी भी आके पी लो। फ्रेंड्स हूँ असी खाना वगैरह खा लिया तो घर का सारा काम असी खत्म कर लिया तो हूँ रात के बाद चुके ने 11 तो हूँ असी लगे हैं सोन तो मिलेंगे कल तुहानू असी एक होर वीडियो के नाल। उदों तक लई गुड नाइट दोस्तों बाय बाय।